कहीं सड़कें पानी में डूब गई तो कहीं मकान पेड़ सब पानी में समा गया। ये है हालात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दो दिन की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास का क्षेत्र, जिसे लोहा पुल के नाम से जाना जाता है, वहां भी पानी का स्तर पहुंच चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को आपदा की दृष्टि से सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका हमें कोशिश करना है। लोगों को सहायता करने का काम करें, चार धाम यात्रा ठीक प्रकार से सुचारू हो, सबकी सुरक्षा का, सबकी सरलता का, सबकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, कांवड़ यात्रा का भी। और जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं, या जहाँ पर लोगों को खाद्य सामग्री इत्यादि की परेशानी हो रही है, या जो आवागमन बिल्कुल बंद हो जा रहा है, संचार की सेवाएँ बंद हो जा रही हैं, वहाँ पर तत्काल रीस्टोर की व्यवस्था करें, सड़कें तुरंत खोलने की व्यवस्था करें। NDRF, STRF, ITBP और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके लोगों को सहायता करें। खराब मौसम के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से जारी है। इसके श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्रीनगर बेस कैंप से पालटाल और पहलगाम की ओर रवाना हो गया है। भोले के भक्तों में जोश व उत्साह देखते ही बन रहा है। 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा उत्सव के साथ खत्म होगी। इतना जो रास है, फिर भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब कुछ यहाँ का प्रशासन का जो है, जम्मू कश्मीर का बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, हम लोग को कोई तरफ दिक्कत नहीं हुआ है। बहुत खुशी है, लेकिन बाबा जी से भेंट हुआ नहीं, बता नहीं सक रहा कि वेदर यहाँ चेंज होता ही हो जाता है, फिर भी उम्मीद लेके जा रहा तो जरूर दर्शन करके हम लोग आएंगे। ये मेरा पहला जत्था है अमरनाथ जी के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड भी है भोले बाबा से दर्शन के लिए। तो देखते हैं भोले बाबा क्या करते हैं, ब्लेसिंग देता है कि नहीं। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। हाँ, बहुत सुविधा है, जगह बहुत अच्छा है, हमको अभी यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छा है। अभी तक जब तक हम लोग आए हैं, यहाँ ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। मैं अपने सभी साथियों के साथ, हम 10 लोग आए हुए थे, और यहाँ के प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, आर्मी CRP और उन्होंने जितना भी यहाँ व्यवस्था। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़कों तक पहुँच चुका है। वहीं दिल्ली के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वजीराबाद वाटर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। 6 से ऊपर है और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है।
तो एक दो दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस दौरे पर हैं, वहीं अजित पवार हाल ही में विभाग बंटवारे की पेंट सुलझाने दिल्ली पहुंचे हैं। इन दोनों मुद्दों पर हाल ही में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बात की है। नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने आज पटना में विधानसभा मार्च आयोजित किया है। राज्य भर से बीजेपी नेता आज पटना पहुंचे हैं। पार्टी ने शिक्षकों और बेरोजगारों से भी नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। बीजेपी का ये मार्च सुबह 11 बजे गांधी मैदान से शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी नेता और कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहा आयकर गोलंबर होते हुए विधानसभा पहुंचे। जितना दमन करना है कर ले, भारतीय जनता पार्टी लोकनायक के सपना को साकार करेगा। ये आपातकाल लाने वाले ये भ्रष्टाचारियों से बिहार को मुक्त कराएंगे। उल्टे जो ये भी वादा किया गया था कि जो शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा, क्या हुआ उस वादे का? सरकार लगातार अपने वादे से भाग रही है और ये सरकार अपना वादा निभाने के बजाय लोगों पर लाठी बरसा रही है, लोग पर जुल्म कर रही है। आज विधानसभा का मार्च जहां शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए, वहां नौजवानों के रोजगार के सवाल। अरे भाई, जब कांग्रेस के सत्ता के नशे को हम लोगों ने झेल लिया, ये नुंज पुंज सरकार के पुलिस से कौन डरने वाला है? स्वाभाविक है, हमने जो निर्णय लिया, हमारी पार्टी जो निर्णय लिया है, हम निर्णय पार्टी। निश्चित रूप से हम लोगों का विधानसभा मार्च निकालने का कारण है कि हमारी बिहार की जनता त्रस्त है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दा पे, चाहे हमारे शिक्षक जो हैं, शिक्षक कर्मी, आज जो बहाली की प्रक्रिया आई है, अब सीधे सीधे आप कहते हैं जो 20 साल 25 साल काम किया उसको कहते हैं कि नियोजित शिक्षक है, ये जो है वो नगर पालिका और पंचायत समिति से है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। उसके अलावा जो कल जो लाठी चार्ज हुआ, इसके ऊपर किसान सलाहकार के ऊपर, हम कृषि राज्य देश हैं और उसमें ये हालत हो रही है। एक तरफ से भ्रष्टाचार देखिए तो 1700 करोड़ का जो है वो पुल गिरा और उसमें भी आज देश भर में भारी बारिश से तबाही का आलम है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके यमुना के पानी में डूब रहे हैं। दिल्ली के रिंग रोड, निगम बोध घाट, यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट समेत कई सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के निगम बोध घाट और सिविल लाइन की। आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों से घर खाली करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्रूर और हिंसात्मक शासन कर रही हैं। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की फ्रेंचाइजी खोलने में व्यस्त है और खूनी राजनीति लेफ्ट ने चलाई। आज उसी का विरोध करते करते उसी का परिचायक देने का काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है और हर चुनावी साइकिल में जो ममता दीदी के तहत हुआ है उसमें हिंसा का नंगा नाच देखने मिलता है। आज 45 से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के मारे गए हैं, पर दुख की बात यह है कि जहां पर लोकतंत्र की हार हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, वहां पर टीएमसी अपनी पीठ थपथपाकर कह रही है और अपनी उपलब्धि बता रही है कि किस प्रकार से उन्होंने जीत पाई है। मुझे लगता है कि जो टिप्पणियां लगातार कोर्ट की तरफ से भी आ रही है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हिंसा को रोकने में पूर्ण तरीके से असफल रही। एसईसी पर भी कई सारे गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि ये ऐसा एकलौता